beware with our Sherwalo. Here comes Pogo Stick Thief. स्वामी के घर चोरी हो रही है। अरे हमारे घर चोरी हो गई। चोर चोर। शिवा 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 शिवा। वो देखो शिवा चोर के पीछे जा रहा है। अब चोर की खैर नहीं। शिवा 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 शिवा। चोरी करना अच्छी बात नहीं है अंकल। सब चोरी का माल मुझे दे दो। मेरे रास्ते से हट जाओ बच्चे। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। थैंक यू शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शिवा, थैंक यू वेरी मच। चैन से रहना है तो जाग जा। आजकल पोगो स्टिक थी शहर में आ चुका है, तो पोगो स्टिक की मदद से उछल उछल के चोरियां कर रहा है। पुलिस को हमेशा की तरह कुछ पता नहीं कौन चोरी कर रहा है। आज रात 8 बजे हमारा प्रोग्राम पोगो स्टिक थीफ देखना ना भूलें। अब ये पोगो स्टिक थीफ कहाँ से आ गया? लड्डू सिंह भी किसी काम के नहीं। इस शहर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। चिंता किस बात की है? शिवा है ना, वो उसे पकड़ लेगा। खबरदार जो शिवा को चोर पकड़ने के लिए कहा तो। हाँ। नमस्ते नानी जी। इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपके हाथ का बना चाय नाश्ता करता चलूं। पूरे वेदास शहर में आप जैसा चाय नाश्ता कोई नहीं बनाता। सच्ची चाय नाश्ता तो मैं करवा दूंगी, लेकिन खबरदार जो तुमने शिवा के सामने उस पोगो स्टिक चोर का नाम भी लिया तो। नहीं 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 नानी जी, मैं पोगो स्टिक चोर तो क्या, किसी भी चोर बदमाश का नाम नहीं लेना चाहता। और
मैं क्यों उनका नाम लूंगा? हाँ, उल्टा वो लोग मेरा नाम लेकर कांप जाते हैं। क्यों पेड़ाराम? बोलो बोलो। पता नहीं सर, पर आपको कांपते रोज देखता हूँ। बड़े सही मौके पर आए हो लड्डू सिंह। मैंने आज जोर भगाओ राग बनाया है, अभी सुनाता हूँ। सुनो सर, ये चाय नाश्ता तो बहुत महंगा पड़ने वाला है। मेरे कानों का दर्द अभी अभी ठीक हुआ है। आप तो ऐसा करो कि यहाँ से निकल चलो। चुप करो पेड़ाराम, हम शिवा को खबर किए बगैर नहीं जा सकते। चाहे उसके लिए हमें नाना जी का राग भयानक ही क्यों न सुनना पड़े। तुम जानते हो ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, इसलिए नाना जी का राग सुनना ही पड़ेगा। बस बस, हो गया हो गया, ये लो चाय नाश्ता करो। अरे क्या लड्डू सिंह जी, आराम से नाश्ता कीजिए ना, क्यों पोगो स्टिक चोर की तरह उछल रहे हैं? मैंने पोगो स्टिक चोर का नाम नहीं लिया, शिवा ने लिया। शिवा ने, बोलो शिवा, बोलो। शिवा, तुम्हें कैसे पता लगा पोगो स्टिक चोर के बारे में? कुछ नहीं होता तुमसे, तुम्हारा काम मेरे शिवा को करना पड़ता है। अरे मैंने तो उसी रात में पकड़ने की कोशिश की थी, मगर वो चोर चकमा देकर भाग गया। केवल उसकी चोरी का बैग ही मुझे मिला था, तो मैंने लोगों का सामान लौटा दिया। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है, वो चोर फिर से चोरी करने आएगा। मेरे इलाके में चोरी, यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब कोई लड्डू सिंह जी, अरे डायलॉग बाजी बंद कीजिए, उस चोर को पकड़ने की सोचिए। ओहो, जरूर जरूर शिवा, जरूर। मगर कैसे? कैसे क्या? पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी। मैं भी यही सोच रहा था शिवा। शिवा, हमारे तुम्हारे ख्याल कितने मिलते हैं? चलो मिलकर पेट्रोलिंग करेंगे, आओ। ये लोग नहीं सुधरेंगे। ये पोको स्टिक लेकर क्यों चल रहे हैं? पेड़ाराम, जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही पोगो स्टिक थीफ को पोगो स्टिक इंस्पेक्टर ही पकड़ेगा। सर सर, वो देखिए, पोगो स्टिक थीफ। हाय इंस्पेक्टर, मुझे ढूंढ रहे हो? दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुझे चोरी करने से रोक सके। कैच मी इफ यू कैन। यू आर अंडर अरेस्ट। भागने की कोशिश भी मत करना, मेरे पास भी पोगो स्टिक है। पता चलते ही आपको मैसेज भेजूंगा। हेलो चोर जी, रुको। अरे ये तो बता दो, इसे रोकते कैसे हैं? बाबा इंस्पेक्टर, हैप्पी जंपिंग। राम जी, ये लड्डू सिंह जी क्या कर रहे हैं? शिवा, जोश जोश में पोगो स्टिक ले आए, लेकिन अब इसे रोक नहीं पा रहे हैं। आज के बाद कभी पोगो स्टिक नहीं चलाऊंगा, कभी नहीं। पेड़ाराम जी, चोर किस तरफ गया है? उस तरफ। पोगो स्टिक।
ये लड़का तो बहुत तेज है और बहादुर भी। ओके बच्चे, कैच मी इफ यू कैन। लड़के में डेयरिंग तो है, इसका कुछ करना ही होगा। अब कभी दोबारा मेरे सामने मत आना। फिर भाग गया। वो पोगो स्टिक में एक्सपर्ट है, वैली में भी कूदने से नहीं डरता। तो फिर उसको पकड़ेंगे कैसे? अरे मैं बताता हूँ, एक बार हमारे गांव में। बस बस बस, रहने दे फेकू राम, अभी ज्यादा मत फेंको, हम लपेटने के मूड में नहीं है। शिवा, अगर उस चोर को जंप करने की जगह ना मिले तो हम जरूर उसको पकड़ सकते हैं। यस यस, आइडिया अच्छा है। यही तो मैं बता रहा था, बंदर को अगर कूदने की जगह नहीं मिलेगी तो वो कूदेगा कैसे? यस, सही कहा आदि। बंदर को अगर कूदने की जगह ही ना मिले तो वो कूदेगा कैसे? रिवा, हमें उसे ऐसी जगह ट्रैप करना होगा जहाँ वो पोगो स्टिक से उछल कूद ना कर सके। हमें लड्डू सिंह जी और नाना जी की हेल्प लेनी होगी। राजा साहब, आप इतने बड़े राजा होकर जंगल में डेरा क्यों डाले हुए हैं? हम प्रकृति प्रेमी हैं। हम शहर के घुटन भरे माहौल में नहीं रह सकते। शहर में बहुत पोल्यूशन है, हमको खुले में रहना ज्यादा पसंद है। तो जैसा कि दोस्तों आप सबने देखा, ये हैं गुमनामपुर के महाराजा, जिन्हें नेचर से इतना प्रेम है कि वो शहर की बजाय जंगल में अपना डेरा जमाए बैठे हैं। तो राजा साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं, आपने अपने शरीर पर करोड़ों रुपए के गहने पहने हुए हैं, क्या आपको डर नहीं लगता कि कोई चोरी कर लेगा? चोरी तो शहरों में होती है, जंगल में चोरी करने कौन आएगा? और रही बात कीमती जेवरों की, तो ये हीरे की अंगूठी 1 करोड़ की है। उस्ताद बड़े सरकार ने राग भूत सुनाने पर दी थी। ये मेरे गले का हीरों का हार 50 करोड़ का है। उस्ताद छोटे सरकार ने राग चोर भगाओ सुनाने पर दिया था। ये मेरे हाथ का हीरो जड़ा हुआ कड़ा 5 करोड़ का है। ये राग चाय बनाओ सुनाने पर बेगम मसक कली ने दिया था। और मैं ये सब राग बारी बारी सुनाता हूँ। राजा है या गवैया है? क्या कर रहे हो नाना जी, ये राग रागनी के चक्कर में सारा भेद खुल जाएगा अपना। बस भाई, अब हमारा आराम करने का समय हो गया है। और मेरा काम करने का टाइम हो गया। इस एक राजा को ही लूट लेता हूँ, फिर मुझे ये चिंदी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजा साहब, आराम तो बहुत हो गया, अब चुपचाप अपने शरीर का वजन हल्का करो। तुम फिटनेस एक्सपर्ट हो, मुझे मेरा वजन कम करने का नुस्खा बताने आए हो? नहीं, मैं चोर हूँ और आपके सारे गहने चुराने आया हूँ। चुपचाप सारे गहने मेरे हवाले कर दो। अब इतने सारे गहने ले लिए हैं तो एक राग तुम सुन ही लो, अभी बनाया है, ताजा ताजा। चोरी करना बुरी बात है। चोरी करना बुरी बात है, चोरी। आपका राग तो जब अगली बार लूटने आऊंगा ना, तब सुनूंगा। और अगली बार और जेवर पहन के आना। बाय बाय। शिवा, वो चोरी करके भाग गया, तैयार हो जाओ। हम तैयार हैं नाना जी। इतनी भी जल्दी क्या है अंकल? हाँ? तुम फिर आ गए। मैग्नेट ऑन। चोर अंकल, आप यहाँ से भाग नहीं सकते, अपने आप को सरेंडर कर दो। वो रहे सामने लड्डू सिंह जी।
ये पुलिस भला क्या मुझे पकड़ेगी? दुनिया की कोई भी ताकत मुझे चोरी करने से नहीं रोक सकती। शिवा, आपकी चोर भागने न पाए, ये तो मुझे ही लेके भाग रहा है। चोर अंकल, वो सब जेवर नकली हैं। ये सब यहाँ आपको बुलाने की चाल थी ताकि आप पोगो स्टिक से भाग ना सको। ओह, तो ये तुम्हारी चाल थी। तुम बहुत बोलते हो बच्चे, मैं अभी तुम्हें ठीक करता हूँ। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। और कितना पीटोगे? अब तो बस कर दो। मैं हमेशा कहता था दुनिया की कोई ताकत मुझे चोरी करने से नहीं रोक सकती, लेकिन तुमने रोक दिया। पोगो स्टिक चोर, शुक्र मनाओ अभी मैंने तुमसे फाइट नहीं की, सिर्फ अपने असिस्टेंट को भेजा। अगर मैं आ जाता तो सोचो सोचो तुम्हारा क्या हाल होता। चोर राजा, अब मैं तुम्हें एक राग सुनाऊंगा, ऐसा राग कि तुम जिंदगी भर चोरी नहीं करोगे।